हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। बच्चों, मैं आपके साथ सोल्व कर रहा हूँ आपका जो अभी एग्जाम हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग का, सीए इंटर नवंबर 2023। जल्दी ही बच्चों आपको टैक्स का भी सलूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ फ्री कंटेंट की जरूरत हो, कोई क्वेश्चंस, किसी हेल्प की, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं रियल एकेडमी रोहतक प्ले स्टोर से। और अगर आपको ऐप स्टोर पे करना हो डाउनलोड, तो माई इंस्टीट्यूट के नाम से डाउनलोड करना है आपको हमारी ऐप को, और कोड यूज करना है EBC II। अगर बच्चों आपको कोई कोर्स परचेज करना हो, आप वहां से डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो एक बार बच्चों हम शुरू करते हैं आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम, तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट ए पार्ट, मटेरियल कॉस्ट का बच्चों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सो इजी, क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है और स्टडी में इस तरह का क्वेश्चन भी है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट AM25 यूजिंग मटेरियल सी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग मटेरियल सी। परचेज प्राइस पर यूनिट 300 रुपीज। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है डेट इज कॉल्ड ओ, वो आपकी 150 है। क्योंकि अगर आपको ईओ क्यों कहता है, तो बच्चों आपको ओ चाहिए, सी चाहिए और ए चाहिए। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना 6% ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस दिया इसीलिए हुआ है, तो अगर आप 6% करेंगे 300 का, तो ₹18। और अब इसके बाद कंजम्पशन ऑफ मटेरियल सी पर है ना, ये ए है बच्चों, मतलब हमारे पास तीनों चीजें आ गई। आपसे इसके बाद कहा है लीड टाइम, आने में जो टाइम लगता है, एवरेज 6 डेज, मैक्सिमम 8 डेज, मिनिमम 4 डेज। इसके अलावा कह रहा है कि जो मैक्सिमम कंजम्पशन मटेरियल सी की है पर डे, वो 200 kg मोर देन एवरेज कंजम्पशन पर डे है। मेरे से कोई पूछे एवरेज कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट होगी, ये ईयर की कंजम्पशन है, ईयर के टोटल डेज हमें आगे दे रखे हैं। ना दे रखे होते तो 365 लेते रिक्वायर्ड। कैलकुलेट फॉलिंग इन रिलेशन टू मटीरियल सी, ईओ क्या हो, सेकेंड रीओर्डर लेवल। तो उसके लिए जब मैक्सिमम कंजम्पशन निकालनी होगी, तो आप क्या करेंगे, 360 दिन से इसको डिवाइड कर देंगे 194,400, तो आपकी एवरेज कंजम्पशन आ जाएगी पर डे की। आ गई एक बार आपकी एवरेज कंजम्पशन पर डे की, अब उसके बाद करना क्या है, उसमें 200 kg ऐड कर देना है, तो वो आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन हो जाएगी पर डे। पर मैक्सिमम रीओर्डर पीरियड 8 डेज, रीओर्डर लेवल का फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद थर्ड वन है हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फॉर्मूला होता है बच्चों, रीऑर्डर लेवल आपने फाइंड आउट किया होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी आपने फाइंड आउट की होगी, मिनिमम कंजम्पशन, अभी आपके पास एवरेज कंजम्पशन होगी, आपके पास मैक्सिमम कंजम्पशन होगी तो मिनिमम कंजम्पशन आ जाएगी, और उसके बाद मिनिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो एक बार फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन पार्ट ए, हमने यहाँ बच्चों तीनों चीजें लिख ली, ए ओ और सी, बड़े शॉर्ट में लिख लेंगे। 194,400 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 150, और कैरिंग कॉस्ट हमारी 6% ऑफ 318 रुपीज। अब सीधा आप ईओ के होके फॉर्मूले में पुट कर, 2AO/C पूरे का रूट, 2 × 194,400 × 150/18, और पूरे का रूट, ये बच्चों हमने किया 1800 यूनिट्स। इसके बाद हमारे से पूछा है क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल। मेरे से कोई पूछे रीऑर्डर लेवल अब कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने कहा मैक्सिमम कंजम्पशन, तो 194,400 जो ए है वो 360 डेज की कंजम्पशन है, तो पहले आप निकालो एवरेज कंजम्पशन पर डे। वन नाइन्टी फोर फोर हंड्रेड डिवाइड में 360, तो ये बच्चों 540 यूनिट्स, और इसमें 200 ऐड कर दो तो आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे आ जाएगी 540 + 200 740 यूनिट्स। अब आने में जो टाइम लगता है वो मैक्सिमम 8 डेज है, तो आप रीऑर्डर लेवल लिखो, मैक्सिमम कंजम्पशन, आप तो इवन फॉर्मूला लिखना साथ में, मैं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो ये 5920 यूनिट्स। इसके बाद थर्ड वन, उसने मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूछा है, मुझे पता है बस मिनिमम कंजम्पशन नहीं है, बाकी सब कुछ है हमारे पास,
तो आपने याद रखना है बच्चों, मिनिमम कंजम्पशन पर डे प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे डिवाइड में टू, डिवाइड में टू, डेट इज एवरेज कंजम्पशन पर डे। ये होता है, हमने पुट किया। हमने काफी सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो अगर हम मिनिमम कंजम्पशन पर डे की देखें तो वो हमारी एक्स है, और जो मैक्सिमम है वो 740 है, डिवाइड में टू, इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन 540। हमने 540 के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1080, उसमें से ये घटा दो 740, तो बच गया 340। अब ये आपकी मिनिमम कंजम्पशन पर डे है। अब आप फॉर्मूला लगाओ मैक्सिमम स्टॉक लेवल का, रीऑर्डर लेवल। हम कहेंगे हमने अभी फाइंड आउट किया है 5920, रीऑर्डर क्वांटिटी 1800 माइनस, क्योंकि रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब आपकी ये हो गया, माइनस मिनिमम कंजम्पशन जो कि है 340, और मिनिमम पीरियड 4 डेज। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये आ रहा है 6360 यूनिट्स। ये घटाने के बाद फर्स्ट का बी है बच्चों, लेबर कॉस्ट का। हमारे में अब तो दो ही प्लान है, हाल से और रोवन, वो हमेशा उन्हीं का ही क्वेश्चन देता है कि वर्कर टुक 60 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब इन ए फैक्ट्री। तो वर्कर ने जो लिए हैं वो 60 घंटे लिए हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस इज 80 पर आवर, तो ये जो स्टैंडर्ड रेट है वो 80 है। द वर्कर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस अकॉर्डिंग टू हालसे प्रीमियम प्लान। फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड ऑन द जॉब एट 60 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क, मतलब ये आपका एब्जॉर्प्शन रेट है फैक्ट्री ओवरहेड का। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द जॉब इज 37280। फैक्ट्री कॉस्ट में तीन चीजें आ जाएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। आपसे कह रहा है मटेरियल कॉस्ट ऑफ द जॉब इज 28400। अब ये आपकी मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। लेबर और ओवरहेड यहां से निकल आएंगे। आपको उसने बोला है, वर्कर ने 60 घंटे कंप्लीट करने में जॉब को लिए हैं। आपसे पहला तो पूछा है कि इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना था। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीटिंग द जॉब एंड इफेक्टिव आवरली रेट अंडर द हालसे प्रीमियम प्लान, और फिर इसको इफेक्टिव रेट पड़ा क्या है। ये बच्चों आपने मेरे को फैक्ट्री कॉस्ट बता दी। अब ये एक्चुअल टाइम के साथ 60 की मल्टीप्लाई करूंगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ जाए, क्योंकि 60 घंटे में उसने काम किया है, 60 पर आवर का रेट है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 3600 आ गया। अब ये 3600 फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। ये रही मटेरियल की कॉस्ट, तो वेजिस तो ऑटोमेटिकली निकल आएगी कि वर्कर को दिया कितना है। अब मेरे से आप कहें कि उसके लिए टाइम अलाउड कितना था, तो मैंने सिर्फ हाल से प्लान का फॉर्मूला लगाना है, तो मैंने यही किया बच्चों। एक बार पहले इसको लिख लेते हैं, बी पार्ट। अगर आप देखो बच्चों तो क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 60 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट गिवन है ₹80 वेजिस के पॉइंट ऑफ व्यू। आपने कहा वेजिस अंडर हाल से प्लान, मैंने कहा भाई स्टैंडर्ड टाइम नहीं पता, तो स्टैंडर्ड टाइम को ना हम ST ही रहने देंगे। तो आप यहां पर ऐसे समझो कि हुआ क्या है, 60 × 80 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव, ST माइनस 60, क्योंकि जो एक्चुअल टाइम लिया है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं × 80। ये टोटल वेजेस है। अब अगर हम देखें तो फैक्ट्री कॉस्ट तीन चीजों के सम से मिलकर बनती है, डायरेक्ट मटेरियल होते, डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते तो वो भी आ जाता, क्वेश्चन में नहीं है। तो ये हमारी जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो है 37280, डायरेक्ट मटेरियल 28400, डायरेक्ट वेजिस अभी हमें नहीं पता, तो हम इसके सामने रख देंगे, एक बार इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं हमारे, वो हमारे हैं 60 पर मैन आवर, तो 60 आवर्स 3600 बस, अब इसको इसमें से लेस कर देंगे। तो ये बच्चों मैंने दोनों को ऐड किया, तो ये हमारा बन रहा है 32000, इसमें से लेस कर दो, डायरेक्ट वेजिस आ जाएंगे, तो ये आ गई 5280। अब इसको यहाँ पुट कर दो जो आपका फॉर्मूला है, ताकि ST निकल आए। तो हमने लिखा, सो 5280 इक्वल टू 4800 प्लस
प्लस 50% ऑफ ST माइनस 60 और इंटू 80। आप चाहो तो आप आसान करने के लिए कैसे करो, ये इसमें से घटाया 480, ये 2 1/2 है 50% का मतलब, तो 2 यहाँ कर दो। अब यहाँ लिखो ST माइनस 60 इंटू 80, तो अगर 960 को 80 से करूँगा तो 12, और ST माइनस 60 तो ST 72। ये पहला आंसर था बच्चों आपका पेपर में कि स्टैंडर्ड टाइम कितना आ रहा है, 72 आवर्स। आपने कहा आप एक बार ये बता सकते हो कि इसको इफेक्टिव रेट क्या पड़ा। मैंने कहा बिल्कुल, इफेक्टिव रेट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जो उसको वेजिस दी है ना उसको पर आर कितने रुपीज पड़ी है। उसको बच्चों 5280 वेजिस मिली है, 5280, 60 घंटे काम करके। उसने 72 घंटे का काम 60 घंटे में किया है, 60 आवर्स में। तो आप इसको इससे करो डिवाइड, 88 रुपीज, ये अब आपका इफेक्टिव रेट पर आर आ गया। इसके बाद बच्चों हम लोग आ गए सेकंड पार्ट। वो हमसे कह रहा है सेम क्वेश्चन में कि आप ये बताओ कि अगर यहीं पर रोवन का प्लान होता, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आर इफ वेजेस वुड हैव बीन पेड अंडर रोवन प्लान। तो रोवन प्लान में डेटा यही होता तो टोटल वेजेस क्या होती, हम कहते एक्चुअल टाइम 60 घंटे, पर आर का रेट 80, प्लस उसके बाद बच्चों 60 अपॉन में 72 इंटू 12 इंटू 80। अब आप इसको सोल्व करो, ये तो हो गया 4800, ये आ गया 800, टोटल 5600। अब 5600 जो अमाउंट है वो कितने आवर्स का है, 60 आवर्स का है, इफेक्टिव रेट पर आवर। तो ये बच्चों 93.33 ये इफेक्टिव रेट हो गया। ये आंसर थे आपके 5600 और 93.33। फर्स्ट का सी है बच्चों ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आप देखेंगे। एक्स वाई जेड लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट ए बी एंड सी फ्रॉम ए ज्वाइंट प्रोसेस। प्रोडक्ट बी सोल्ड एट सप्ली टॉप पॉइंट, तो बी को तो सप्ली टॉप पे ही बेच देते हैं। वेयर एज प्रोडक्ट ए एंड सी आर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, 10% ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए इज लॉस्ट इन फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब अगर आप उसको सप्ली टॉप की बात करें तो जो आउटपुट आएगी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद उससे 10% कम होगी, मतलब 90% रह जाएगी। डेटा रिगार्डिंग दीज प्रोडक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 आर एज फॉलोस। अब एक बार आप देखो बच्चों, ये तीन हैं, ए की जो आउटपुट है वो 360 है, इसने फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेची है। अगर आप मेरे से कहेंगे कि इनिशियल में बना कितना था, तो 100/90 करूंगा तो 4 लाख। इसका यूज क्या है, जब सेल एट सप्ली टॉप निकालनी होगी तो यही काम आएगा। इसके बाद बच्चों बी की आउटपुट है और सी की आउटपुट है, सेलिंग प्राइस एट सप्ली टॉप बी का दे रखा है क्योंकि बी को हम सप्ली टॉप पे बेच रहे हैं, और इन दोनों को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट दे रखी है बच्चों हमें। द ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट अप टू सप्ली टॉप पॉइंट एट विच ए बी सी बिकम सेपरेबल, ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है बच्चों 57,26,000। अब रिक्वायर्ड में पहली बात कह रहा है, फर्स्ट प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट टू प्रोडक्ट यूजिंग एनआरवी मेथड। तो बच्चों सो इजी, पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी आउटपुट है उसके साथ फाइनल सेल वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे। बी के केस में यही फाइनल सेल वैल्यू है और उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा देंगे, एनआरवी आ जाएगा, उसकी रेशो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देंगे। सेकेंड, एज्यूम एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम डी लिमिटेड टू परचेज प्रोडक्ट ए एट सप्ली टॉप पॉइंट एट 7 पर यूनिट, एंड अनदर कंपनी पी के ओ आर लिमिटेड हैज ऑफर टू परचेज प्रोडक्ट सी एट सप्ली टॉप पॉइंट 9 पर यूनिट। हम ना बच्चों सेल एट सप्ली टॉप पॉइंट निकाल लेंगे, एनआरवी के साथ कंपेयर करेंगे, अगर एनआरवी ज्यादा हुई तो हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे और अगर एनआरवी कम हुई तो हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। एडवाइस वेदर दीज ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, तो अभी बता देते हैं बच्चों हमें ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट सी पार्ट बच्चों, यहां पर हमने स्टेटमेंट बना दी शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। मैं लिख नहीं रहा, आपको एग्जाम में लिखना था ये बच्चों। यहां पर बड़े सिंपल वे में करेंगे,
ए बी सी। सबसे पहले फाइनल सेल्स वैल्यू, अगर आप मुझे कहेंगे कितनी, तो 3,60,000 पहले केस में आउटपुट है इंटू 9.50, दूसरे केस में 2,10,000 इंटू 6, और तीसरे केस में 4,50,000 इंटू 12। ये बच्चों हमने मल्टीप्लाई किया 34,20,000, 12,60,000 और थर्ड वन 54 लाख। ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। इसमें से आपको लेस कर देनी है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, 8,60,000 नील और 10,40,000 बच्चों हमने लेस कर दिया। तो ये हमारे पास बच गई एनआरवी, जिसकी रेशियो में हमें ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है। 25,60,000, 12,60,000 और 10,40,000 बस बच्चों। अब इसकी रेशियो में आपको ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ एनआरवी। तो ये बच्चों मैंने इसके टोटल से जब डिवाइड किया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट आ गया 17,92,000, दूसरा 8,82,000 और तीसरा 30,52,000। ये बच्चों 43,60,000 वो एज भी लिखा गया, इसमें से ये घटा कर लिखना। तो बस हमने इसमें बार दिया है ये आप 43,60। आप इसका टोटल चेक कर सकते हैं बच्चों, 17,92,000 प्लस 8,82,000 प्लस 30,52,000, तो टोटल है 57,26,000 बांट दिया। अब इसके बाद अगर वो पूछ रहा है कि हमारे पास एक ऑफर है, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ए बी सी की सेल वैल्यू एट सप्लिट ऑफ कितनी होती। तो बी तो है ही सप्लिट ऑफ, ऑफर तो आपके पास ए और सी के लिए आया है, तो ए की पहले तो आउटपुट 4 लाख यूनिट, 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस 7 का ऑफर आया है, मतलब 28 लाख। दूसरे केस में तो बच्चों वो है ही सब्लिट ऑफ पे, तो चाहे आप इसको कुछ ना लिखो कि नो इफेक्ट, ये हमें करना किस लिए है। यहाँ की बात करो 4,50,000 इंटू 9, 40,50,000। अब आप इसको कंपेयर करो एनआरवी से, एनआरवी की बात करूँ तो यहाँ पर 25,60,000 और यहाँ पर 43,60,000। तो आपने मेरे से पूछा फर्दर प्रोसेसिंग, मैंने कहा नो और यहाँ यस। तो ऑफर की बात करें कि ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, तो ऑफर नॉट टू बी एक्सेप्टेड, जो ऑफर है हमें यहाँ नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, टू बी एक्सेप्टेड यहाँ हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बस इतना ही था क्वेश्चन बच्चों, 5 मार्क्स का है। इसके बाद बच्चों फर्स्ट का डी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, न्यू सिलेबस में तो है ही नहीं, मतलब जो बच्चे मई 24 में देंगे या ऑनवर्ड उनमें ये चैप्टर नहीं है। आपका लास्ट था, पक्का पता था आना है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 5 मार्क्स का दिया है। यूनिक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कमेंस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अगस्त 2022, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 96 लाख है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल फ्रॉम देयर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑन 31 मार्च 2023। तो अगर हम देखें बच्चों यहाँ से यहाँ तक 8 मंथ्स बन रहे हैं। मटेरियल कंज्यूम, वेजेस पेड, वेजेस आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड हो जाएंगी, प्लांट इशू टू साइट 1 अगस्त को ही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जनरल ओवरहेड। अभी हमें कह रहा है कि एक सुपरवाइजर है जिसको हम 18,000 रुपये पर मंथ देते हैं, उसने 40% अपना टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट पे स्पेंड किया है। मेन याद रखना कि 8 मंथ्स का ध्यान रखना है आप, और 40% कर देंगे इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। प्लांट 60,000 का ट्रांसफर कर दिया किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे 31 दिसंबर को बच्चों, आफ्टर 5 मंथ्स, तो इस पे 5 महीने का लगेगा और 750 में से बाकी जो रह गया 6,90,000 उसके ऊपर 15% से 8 मंथ्स का लगेगा। प्लांट वास्ट टू बी डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम ऑन एसएलएम बेसिस, 31 मार्च को 60% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट था और आर्किटेक्ट से सर्टिफिकेट जो इशू हुआ था वो बच्चों 50% का हुआ था, इसका मतलब 10% अनसर्टिफाइड है। रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शो द नॉशनल प्रॉफिट और लॉस एज ऑन 31 मार्च 2023। तो एक बार बच्चों करते हैं, हमें ना बच्चों इस क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, पहले हमारा काम होगा कॉस्ट कैलकुलेट करना, मतलब ये 1 अगस्त 22 से 31 मार्च 23 के लिए है, ठीक
ठीक है, तो हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले टू मटेरियल कंज्यूम्ड, बड़ा शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों, 35,91,000। इसके बाद वेजिस पेड, आउटस्टैंडिंग भी है ऐड कर देंगे इनर कॉलम में बच्चों, 9,65,000, एड आउटस्टैंडिंग वेजिस 75,000। तो हमने जैसे इसको इससे ऐड किया 75, ये बन रहा है 10,40,000। 9,65,000 प्लस 75,000, इसके जस्ट आगे है बच्चों प्लांट इश्यूज, 1 अगस्त को ही किया है, 7,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 196,650। इसके बाद जनरल ओवरहेड्स 2,08,000। अब ये हमें एक सुपरवाइजर की सैलरी की बात कर रहा है, तो हमने लिख दिया सुपरवाइजर सैलरी 18,000 पर मंथ बच्चों, 8 मंथ्स, और उसका हम लोग करेंगे 40%, क्योंकि उसने कहा है 40% उसने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टाइम स्पेंड किया है। तो हमने किया बच्चों 18,000 इंटू 8 इंटू 40%, 57,600। इसके जस्ट आगे बच्चों इसने हमें बोला है कि 60,000 का प्लांट जो है ना वो वापसी गया है, तो हम कहेंगे वो 31 दिसंबर को, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स का लगेगा डेप्रिसिएशन। बच्चों हमने यहाँ लिखा बाय प्लांट सेंड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये है बच्चों 60,000। अब लगाओ इस पे डेप, हमने कहा 60,000, रेट है बच्चों 15% और 5/12, तो हमने इसको कंप्यूट किया 60,000 का 15% इंटू 5/12 बच्चों 3,750, इसमें से घटा दो 60,000 में से 56,250। अब आ जाओ आप रिमेनिंग प्लांट, बाय प्लांट एट साइट, अगर इस प्लांट की बात करूं तो 750 में से आप पहले 60 हटाओ, 690, इसके ऊपर 8 मंथ्स का लगाना है हमें एस डेप्रिसिएशन, 690, 15% और 8/12, ये हमने किया 69,000, इसमें से लेस कर दिया। ये बच्चों आ गया हमारा 6,21,000। बस अब आपका काम है एक बार टोटल करो, ताकि एक बार कॉस्ट तो पता लगे, तभी तो वर्क अनसर्टिफाइड पता लगेगा। 35,91,000, 10,40,000, 7,56,000, 1,96,650, 2,08,000 प्लस 57,600 बच्चों, टोटल है 58,43,250। अब इसमें से आप ये लेस कर दो, ये अभी आपकी कॉस्ट ऑफ वर्क सीडी आ गई, जो कि अभी हम ब्रोट डाउन कर देंगे, -56,250 -6,21,000, ये बच्चों आ रहा है हमारा 51,66,000। अब पता है क्या करना है आपको, सिर्फ ये यहाँ लिख दो, यहाँ आप लिखो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपकी कॉस्ट आ गई बीडी। वर्क सर्टिफाइड कितना है, मैंने कहा वर्क सर्टिफाइड उसने 50% बोला है, अगर 96 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उसमें से 50% आपका सर्टिफाइड है, तो 48 लाख, ये रहा बच्चों 96 लाख। तो हमने किया 48 लाख रुपीज। अब आ गए हम वर्क अनसर्टिफाइड पे, ये तो बच्चों मैं सीधा निकाल लूंगा, 51,66,000 कोस्ट कितने की है, 60% की, तो 10% की कैलकुलेट हो जाएगी। हमने बच्चों इसको 6 से कर दिया डिवाइड, 8,61,000। बस आप इसको टोटल करो, 56,61,000, क्योंकि दोनों को ऐड करके उसमें से हमने लेस कर दिया 51,66,000, 4,95,000, डेट इज योर नोशनल प्रॉफिट। बस यही निकालना था बच्चों, रफली इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए क्वेश्चन। आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी और डाउट अराइज होता है बच्चों, आप हमें कॉल करो, टेलीग्राम व्हाट्सएप, आपको रिप्लाई मिलेगा उसका।
एकिन का ए बच्चों हमारा कोर्स शीट का क्वेश्चन है। आपको अगर फॉर्मेट आता है तभी ये क्वेश्चन हो सकता था एग्जाम में। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट BXE फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2022। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बनेगा, प्लस होगा उसमें। वर्क इन प्रोग्रेस की टर्न बाद में आएगी, फिनिश गुड्स की टर्न बाद में आएगी। इसके बाद मटेरियल परचेज, डेट इज आल्सो पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। फ्रेट इनवर्ड उसी का पार्ट बनता है बच्चों, मतलब ये सब ऐड होना है उसके बाद। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस अभी लिखेंगे बच्चों हम। पावर एंड फ्यूल हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेड डिस्काउंट रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालती बार लेस होगा। इंश्योरेंस ऑफ मटेरियल प्रोक्योर्ड उसी का पार्ट होता है क्योंकि मंगवाने से रिलेटेड खर्चा है। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 1/5 ऑफिस के लिए यूज हो रही है तो 4/5 बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड, और 1/5 जो है वो हमारा हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसके जस्ट आगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6,25,000। अगर आप में से कहेंगे ये फैक्ट्री ओवरहेड है, वो बच्चों अभी चाहे आप पहले लिखना चाहो लिख लो सब खर्चों के साथ, नहीं तो साथ साथ कर लेंगे। मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, मैं जस्ट आगे फाइंड आउट कर रहा हूँ। कंज्यूमेबल स्टोर एंड इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही आएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बच्चों जो हमारी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी ना, तो उसके बाद ऐड होता है। सेम ऐसे ही प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सक्लूडिंग रेंट ऑफ बिल्डिंग, मतलब इसमें रेंट ऑफ बिल्डिंग ये इंक्लूड नहीं, मतलब उसको छोड़कर 17,50,000 रुपये। इसके बाद सैलरी पेड टू मार्केटिंग स्टाफ, तो ये जो मार्केटिंग स्टाफ को पेमेंट किया है बच्चों सेलिंग ओवरहेड है। पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन होती है डेट इज सेकेंडरी पैकिंग। इसको ना हम लोग आप ऐसे समझो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करते हैं, इसको आप ये कहो कि आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023, तो क्लोजिंग स्टॉक है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालती बार लेस होगा। वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स हमें अभी यूज करने हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है बच्चों, फर्स्ट वर्ड फर्दर सम ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट वाज फाउंड डिफेक्टिव एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट वर रेक्टिफाइड बाय इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड टू द एक्सटेंट ऑफ 33,600। आपसे कह रहा है कि जो कुछ फिनिश प्रोडक्ट थे वो डिफेक्टिव थे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रेक्टिफाई किया जा सकता है एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड करके। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड ही है हमारे, फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन डिटेल मेंशन ऑफ। इसके जस्ट आगे एन अमाउंट ऑफ ₹1,20,600 वाज रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, तो मतलब 1,20,600 रुपये जो है वो हमारी सेलिंग स्क्रैप, जो स्क्रैप बेची है उससे जो रियलाइज हुआ है उससे रिलेटेड हमारी इनकम है। तो मेरे से कोई पूछे स्क्रैप बाय प्रोडक्ट इनका क्या करते हैं, तो बच्चों हम लोग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उससे जस्ट पहले इसको लेस कर देंगे। जस्ट बिफोर प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी हमारी। आपसे कहा है प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 शोइंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल। तो एक बार बच्चों फाइंड आउट करते हैं, तो एक बार बच्चों अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड ए पार्ट कॉस्ट शीट। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए, तो हमने लिख दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और उसके बाद परचेसेस और उससे रिलेटेड खर्चे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 27 लाख, आप इनर कॉलम में यूज कर सकते हैं। ऐड मटेरियल परचेज्ड, ट्रेड इनवर्ड, इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट अभी बच्चों लेस कर देंगे। इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्यूर्ड,
ये हमने ऐड किए 2,48,07,50,000, और इसके अलावा बच्चों 15,000, हमने इस पूरे का टोटल कर लिया। ये बच्चों टोटल आ रहा है 2,82,65,000। इसमें से दो चीजें लेस करनी हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट जो कि है 4,50,000, और दूसरे नंबर पे हमें लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारा है 32,60,000। ये दोनों हमने इसमें से लेस कर दिए। ये आ रहा है 2,45,55,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया ये हमारा। अब इसके जस्ट आगे डायरेक्ट वेजेस, ये हमारी है 42 लाख। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें अगर हम बात करें तो एक तो पावर एंड फ्यूल है और दूसरा कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग्स। हमने दोनों के अमाउंट लिख दिए 18,75,000 और 3,60,000। बस हमने इसको टोटल किया 22,35,000 और इसमें ऐड कर दिया, ये आ गया बच्चों 3,09,90,000। दैट इज योर प्राइम कॉस्ट। अब बच्चों इसमें हमें ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले आ जाएगा बच्चों रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 4/5, हमने यहां लिख दिया 4/5 ऑफ 7 लाख, 5,60,000। अगला है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6,25,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन यहां नहीं आएगा, मतलब ये हो गया हमारा। कंज्यूमेबल स्टोर एंड इनडायरेक्ट वेजेस ये आ जाएगा, ₹15,20,000। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बच्चों नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड होता है, प्राइमरी बैकिंग कॉस्ट का भी सेम, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड होंगे। इसके बाद बच्चों सैलरी पेड टू मार्केटिंग स्टाफ, सेलिंग ओवरहेड, पैकिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो चुका है, और अब यहाँ आ जाओ 33,600 के जो एडिशनल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इनकर्ड किया ऐड, बस अब आपका काम है इनको ऐड करो ताकि ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आए हमारी 5,60,000, 6,25,000, 15,20,000 और 33,600। ये बच्चों 27,38,600 इसमें ऐड करो, टोटल 3,37,28,600। दैट इज ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। अब आपने करना क्या है, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस करेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,60,000 और लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 11,80,000। कुल मिलाकर 120 हमने इसमें से लेस कर दिए, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट था ये आ गया हमारा 3,36,08,600। इसके बाद बच्चों एक तो हमें ऐड कर देंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड होती है 9 लाख, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट
ये है बच्चों 12,90,000। इस प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट के बाद बच्चों हम लोग इसका टोटल कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ना जस्ट पहले हमें सेल ऑफ स्क्रैप घटाना होता है, जो आपकी डिफेक्टिव प्रोडक्शन हुई है, और चाहे बाय प्रोडक्ट जिसकी हमें सेल वैल्यू दे रखी है 1,20,600, तो ये यहाँ लेस हो जाएगा। ये बच्चों हमारा टोटल आ रहा है 3,57,98,600, और इसमें से हम लेस कर रहे हैं 1,20,000, तो 3,56,78,000 ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और क्लोजिंग लेस, तो हमने यही किया बच्चों, ऐड ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का जो कि 25 लाख है, और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 28,38,000। मतलब कुल मिलाकर 3,38,000 हमें लेस कर देने, तो हमने यही किया। ये बच्चों आ रहा है 3,53,40,000, डेट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें इसमें करना क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ऐड करने हैं, तो हमने ऐड किया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 17,50,000। इसके अलावा जो रेंट ऑफ बिल्डिंग का पोर्शन ऑफिस से रिलेटेड है वो यहाँ आ जाएगा 7 लाख का 150, बच्चों 140। और जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग मार्केटिंग ओवरहेड के अंडर ही आ जाते हैं, तो अलग अलग कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, सीधा बस तीनों खर्चे हैं लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैंस, सैलरी टू मार्केटिंग स्टाफ, पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अमाउंट हैं बच्चों हमारे 1,20,000, 9,60,000, 1,84,000। इस पूरे का टोटल 31,54,000, और बस आप इसमें ऐड कर दो, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 3,84,94,000। क्वेश्चन सेकंड का बी है बच्चों, बस्ट्री कंट्रोल। अगर मैं इस क्वेश्चन को आसान कहूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन एवरेज की कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि लेंथी है। पेपर में दोनों चीजें रेलेवेंट होती है कि आपका इजी के साथ साथ छोटा भी हो क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन। ये कह रहा है एचएल लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 4 वैरायटी ऑफ बेवरेज। द पास्ट डेटा शोज डिफरेंट डिमांड पैटर्न फॉर वेरियस क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। द सेल क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 इज एज फॉलोज। तो सितंबर का डेटा ये दे रहा है, मतलब सितंबर मंथ में हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, फ्रूट जूस और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, इनके 4 बेवरेजेस आते हैं, चारों की सेल क्वांटिटी बता रखी है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता रखा है। अब इसे आगे देखो, ये तो थी सितंबर मंथ की। फॉर द क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर 23, इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस डिमांड फॉर हॉट कॉफी वुड इंक्रीज एवरी मंथ बाय 50% ऑफ प्रीवियस मंथ। मतलब आपका सितंबर मंथ में जो डिमांड है अक्टूबर में, उससे 50% ज्यादा होगी। अक्टूबर के बाद नवंबर में जो अक्टूबर मंथ में डिमांड थी उससे 50% ज्यादा होगी, क्योंकि जस्ट प्रीवियस मंथ को लेना है। वो सितंबर को बेस मानने के लिए नहीं कह रहा कि सितंबर में ही 50-50% बढ़ाना है, नहीं, उससे जस्ट पिछले महीने में जो डिमांड थी उससे 50% इंक्रीज हो जाएगी। एंड डिमांड फॉर कोल्ड कॉफी वुड डिक्रीज एवरी मंथ बाय 30% ऑफ द प्रीवियस मंथ। बस ध्यान से पढ़ना होता है हमें। आगे, द डिमांड फॉर फ्रूट जूस वुड डिक्रीज बाय 20% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 23 एंड देयर आफ्टर इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब जो अक्टूबर में होगी वही नवंबर में होगी और वही दिसंबर में होगी। एच एल लिमिटेड वुड बी एबल टू सेल ओनली 60,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट एंड 30,000 यूनिट
और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक रिस्पेक्टफुली, इनकी डिमांड एकदम से काफी डाउन होगी, तो इसलिए उसने परसेंटेज की बजाय सीधा बता ही दी कि कितनी कितनी यूनिट्स होगी, क्योंकि जहां 270 हो रही थी, क्योंकि ठंड में लोग नहीं पीते ये, तो ये एकदम से डिमांड 60, 50 और 30 रह जाएगी। तो हमें इनकी सेल क्वांटिटी तो दे ही रखी है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 23 देयर वुड बी नो चेंज इन सेलिंग प्राइस। चलो कुछ तो आसान किया कि जो सेलिंग प्राइस है वो जो हमारे को ऑलरेडी दे रखा है वही रहेगा। इसके बाद कहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर द पीरियड सितंबर 23 टू दिसंबर 23। सितंबर का जो आपको दे रहा है डेटा वो किस लिए दे रहा है बच्चों, उसने ना आगे अक्टूबर से वो पूछा है, ये ओपनिंग स्टॉक के काम आ जाएगा, ये इसने हमें क्लोजिंग स्टॉक बता दिया है जो इनके अकॉर्डिंग हर महीने इन चार बीवरेजेस का रहेगा। तो ये सितंबर का क्लोजिंग अक्टूबर के लिए ओपनिंग है, अक्टूबर का क्लोजिंग नवंबर के लिए ओपनिंग है, एंड सो ऑन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स। प्रोडक्शन बजट होता ही सिर्फ यूनिट्स में है, एंड सेल बजट इन यूनिट्स एंड सेल वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 2023। तो एक बार बच्चों करते हैं। इसने बच्चों हमसे सेल बजट 3 महीनों का पूछा है, और ये हमेशा ऐसे बनता है, अगर खाली यूनिट्स में कहता तो वैसे कॉलम बन जाते, नहीं तो हमेशा ये तीनों में ही पूछा जाता है। तो आप ये बना दो 3 महीने, उसके अंदर कॉलम हो जाएंगे क्वांटिटी सेलिंग प्राइस और अमाउंट अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये इसके अंदर 3 कॉलम क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। ये बच्चों क्वांटिटी प्राइस सेल्स वैल्यू अमाउंट, यूं करके आना। अब अगर आप मेरे से कहेंगे कि किस तरह से है, तो एक एक चीज को पहले समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किस तरह से दे रखा है। पहले हमने होल्ड कॉपी को लिया, उसने कहा था जितनी प्रीवियस मंथ में डिमांड है ना उसे अगले महीने 50% इंक्रीज है, तो हमने पहले 140 का 50% किया तो 70 इंक्रीज कर दी 210। तो अब आप यहाँ लिख रहे हैं, ये आपकी एक तरह से बस्टेड सेल है, सेल बजट ही लिख रखा है इन क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों में बता रहे हैं। तो यहां आपने सबसे पहले लिखी होट कॉफी 210,000 सेलिंग प्राइस, बच्चों उसने सेम कहा है वो 20, उसमें तो आपको चिंता की जरूरत ही नहीं, सीधा लिख ही देना। अब 210 के बाद उसमें 50% इंक्रीज किया तो 315, और इसमें फिर 50% किया तो 472,500। ये हमारा 42 लाख, ये 63 लाख, ये 94,50,000। इसके जस्ट आगे कोल्ड कॉफी, इसमें हर बार 30% डिक्रीज होगी, अभी बच्चों 3,40,000। पहले हमने 30% किया इसका, 1,02,000 लेस कर दिया तो 2,38,000 सेलिंग प्राइस इसका 40 है, तो वो तो 40 ही रहेगा। इसमें बच्चों 30% डिक्रीज करेंगे तो 166,600, और अगेन 30% किया तो 1,16,620। फर्स्ट वाला है बच्चों 95,20,000, सेकंड वाला है हमारा 66,64,000, और थर्ड वाला है 46,64,800। इसके बाद है फ्रूट जूस, इसमें पहले में उसने कहा है कि हमारा 20% डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 336। इसके बाद सेम बच्चों, कोई अंतर नहीं। अब इसमें 20 रुपीज, 67,20,000, और लास्ट वन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी क्वांटिटी सीधी ही गिवन है बच्चों हमें, तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया इसमें भी 60, 50, 30। और 20 रुपीज रेट है, यहां पर 12 लाख, 10 लाख, 6 लाख। अब आपको सेल बजट में हमेशा यही करना होता है टोटल,
जब टोटल करेंगे तो क्वांटिटी के कॉलम का टोटल होगा, वैल्यू के कॉलम का टोटल होगा, लेकिन जो प्राइस है उसका टोटल नहीं होता। ये हमने सीखा हुआ होता है बच्चों, आपने यूं ही किया होगा। तो टोटल फर्स्ट 8,44,000, 2,16,40,000, 8,67,67, 2,06,84,000, 9,55,120, 2,14,34,800। ये बच्चों वैल्यूज थी, ये क्वांटिटी, मतलब कुल मिलाकर सेल बजट को ऐसे बनाना। ये क्वांटिटी में भी हो गया, वैल्यू में भी हो गया। अब हम बना रहे हैं प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन बजट जो है ना बच्चों, वो मंथली बनाना है, लेकिन चार चार बीवरेजेस हैं, तो हम मंथ के तो बीच में कॉलम बना लेंगे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नीचे ही उनको वैल्यू करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उसमें तीन चीजें चाहिए होती है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, समझ गए ना? तो मंथ तो हमें ऊपर ही चाहिए, तो हमने ऐसे लिखा, सेकंड प्रोडक्शन बजट। आप ऊपर चाहे लिख दो यहां मंथली, पर नहीं तो मंथ तो है ही सही नीचे कॉलम। तो ये तीन हमारे कॉलम हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब करना कैसे? एक एक का बेवरेजेस का अलग होगा। सबसे पहले हॉट कॉफी, इससे शॉर्ट ये नहीं हो सकता था। सेल्स अभी हमने फाइंड आउट की है, ऊपर 210,315,472,500 हमने लिख दिया। अब आपको इसके जस्ट बाद क्या करना है? ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक। अब एक बार आप क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ, ये रहा कोड कॉपी का 15, 13, 11, और जो ओपनिंग स्टॉक है, चाहे ऐड करके ऐसे लेस कर लेना सीधा, ये यहाँ 15, ये यहाँ पर 13। अब अगर आप मेरे से कहेंगे कि फर्स्ट के केस में मैंने कहा ये रहा, क्योंकि क्लोजिंग इनके लिए ओपनिंग है बस। अब आपको करना क्या है? इसको घटा देना है, फर्स्ट वाले की प्रोडक्शन बजट आ गई। तो 2 लाख, एक तरह से हम ये घटा रहे हैं, 2,13,000, 3,13,000, 4,70,500। अब सेकंड है बच्चों कोल्ड कॉफी। अगर आप देखो तो हमने सेल तो पहले ही फाइंड आउट किया, क्योंकि सेल बजट है। ये हमारी सेल है 2,38,000, 1,66,600 और 1,16,620, हमने यहाँ लिख दिया। 2,38,000, 1,66,600, 1,16,620। अब आप इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो और ओपनिंग स्टॉक लेस करो। तो हमने सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखे, ये थी 14,15,16। अब ये यहाँ 14 आ जाएगा, ये यहाँ 15 आ जाएगा, और यहां से अगर आप ओपनिंग स्टॉक लेंगे तो 13। तो कुल मिलाकर 1,000 बढ़ाना है, कुछ और नहीं करना। तो यहाँ पर 2,39,000, 1,67,600, 1,17,620। इसके बाद थर्ड नंबर पे फ्रूट जूस, इसकी बच्चों हमने सेल देखी 336, सेम यही लिख देंगे 336 ईच। इसमें हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक और लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। एक बार आप ध्यान देना, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 12,10,13, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब ये एज इट इज यहाँ आ गया 12 और 10, तो यहाँ वाला सितंबर मंथ का क्लोजिंग 11, तो हमने यहाँ किया 3,37,000, 3,34,000,
और 3,39,000 ये फ्रूट जूस की वेस्टेड क्वांटिटी आ गई। और फोर्थ है हमारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, इसकी एक बार सेल, उसने हमें सीधा गिवन थी क्वेश्चन 60, 50, 30, हमने यहां लिख दी। इसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है और ओपनिंग स्टॉक लेस करना है। तभी आप ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक है 5,500, 6,000, 7,000, 6,000, 7,000, ये यहाँ पर 5,500, 6,000, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 7,500 बस। इसमें से 2,000 लेस कर दो, 58,000। इसमें से 500 ऐड कर दो, 50,500, और यहाँ 31,000। ये बच्चों हो गया प्रोडक्शन बजट ऐसे, क्योंकि ये यूनिट्स में ही होता है। ये सारे केसेस में साथ में लिख सकते हो बस्टेड प्रोडक्शन, जो हमें बस्टेड करनी। ये हो गया बच्चों, ऐसे करके करके आना था आपको। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, ए पार्ट ओवरहेड्स, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि स्टडी से ही लिया है एक तरह से, बिल्कुल सारी कैलकुलेशन आसान है। HCP लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पी एंड क्यू, ये रहे, एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट आर एंड एस। द बस्टेड कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 इज फर्निश्ड बिलो। ये आपको बस्टेड इंफॉर्मेशन है। ये दो खर्चे इन्होंने बच्चों ऑलरेडी बांट कर दे रखे, मतलब एलोकेशन है। अब आप मेरे से कहेंगे फैक्ट्री रेंट एरिया में, यहां आप देखो एरिया है, तो हम ना यही लिख लेते हैं इजी करने के लिए, जल्दी करने के लिए। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे ना बच्चों, तो ये 2,500 है। तो जस्ट हमने इसको बांटा तो पहले वाला आ गया हमारा 37,500। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया की रेशो में बांट रहा हूँ। आपको तो पूरा दोबारा करना था, तो यहाँ मैं एरिया लिख भी रहा हूँ ताकि याद रहे कि किस तरह से किया है आपने। 22,500, 6,000 और 9,000, ये हो गया हमारा। इसके बाद अगला है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी, जो बुक वैल्यू है ये रही। हमने इसका बच्चों टोटल किया, ये बन रहा है 30,00,000। अब आपको इसकी रेशो में बांटना था, तो हमने ये बांटा वैल्यू ऑफ मशीन्स 26,250, 6,250, 1,250 और 3,750। इसके बाद तीसरे नंबर पे है बच्चों पावर। यहाँ उन्होंने गलती कराने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। हॉर्स पावर ऑफ मशीन है और साथ में मशीन आर्स है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत, बच्चे को तो कन्वीनियंट मिलेगा हॉर्स पावर ऑफ मशीन है कर दो, वहीं गलती हो जाएगी। यहाँ किलोवाट आर्स, इसकी इससे मल्टीप्लाई की 32,00,000, इसकी इससे मल्टीप्लाई की 2,00,000, इसकी इससे मल्टीप्लाई की 48,000 और इससे की तो 96,000। अब हम इसकी रेशो यूज कर रहे हैं, ये टोटल बच्चों बन रहा है ये 35,44,000। टोटल तो सिर्फ रेशो में बांटने के लिए होता है, तो हमने यहाँ किया, फर्स्ट आ रहा है 86,682, सेकंड 5,418, थर्ड 1,300 और फोर्थ 2,600। इसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी एक्सपेंस फॉर फैक्ट्री प्रीमिसेस, फैक्ट्री का खर्चा है एरिया में बांट देंगे। ये बच्चों फ्लोर एरिया 2,500, आप इसके साथ रीजन भी दे सकते हैं क्योंकि क्लियर लिख रखा है सिक्योरिटी एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री प्रीमिसेस। गार्ड वगैरह नहीं बिठा रखे होते फैक्ट्री के बाहर, तो वो फैक्ट्री का खर्चा है। अब मेरे से कोई पूछे फैक्ट्री का खर्चा है तो कैसे बांटेंगे, मैंने कहा एरिया में बटेगा जैसे रेंट बट रहा है, इसका कोई और लिंक है ही नहीं। तो ये पहले वाला 12,000, मतलब हम 2,500 से डिवाइड कर रहे हैं और इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7,200, 1,920 और 2,880। ये बच्चों हमने इसकी रेशो में बांट दिया। इसके बाद इंश्योरेंस मशीनरी का बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू अभी टोटल किया था 30,00,000, ये 12,000 है, एक तरह से 4% हो गया, 8,400, 2,000, 400 और 1,200, ये बच्चों आ गया हमारा। इसके बाद है सुपरवाइजर के खर्चे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये बच्चों नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है,
हमने इसका टोटल किया 10, 30, 40, 50, तो हमने इसको किया डिवाइड। पहले वाला 9600, 28800, 5760 और 3840, ये सारे खर्चे हमारे बट गए। अब आपका काम है सिर्फ इनका टोटल करना, क्योंकि ये हमारे आ जाएंगे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ना हम यहाँ लिख लेते हैं, पी क्यू आर और एस, ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने टोटल किया 3,10,182, 1,96,980, एस वाला बच्चों 68,000, ये बच्चों 49,900, ये चारों हमने कर ली। इसके बाद बच्चों इसने कहा था द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ टू सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग स्टेप मेथड इन सेम ऑर्डर। पहले आर को बांटना है तो आर एस में नो डाउट बटेगा, और फिर एस को बांटना है रिस्पेक्टफुली ऑन द फॉलोइंग बेसिस। आर को हमें बांटना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, और एस को बांटना है मशीन आर्स। तो रिक्वायर्ड में पहली चीज यही पूछी थी जो हमने बना ली, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट क्लियरली शोइंग बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपने कॉलम बना रखा होगा। सेकंड, कैलकुलेट द टोटल बस्टेड ओवरहेड फॉर बोथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आफ्टर द सर्विस डिपार्टमेंट हैव बीन रीअपोर्शन टू देम। तो एक बार सेकेंड काम कर लेते हैं, रीअपोर्शनमेंट हमने किया, रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ, उसने पहले कहा है स्टेप लैडर मेथड है आर। जब आर बटेगा ना बच्चों तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बोले, तो आपको सिर्फ आर के एम्प्लॉय नहीं लिखने, तो 10, 30 और 4, क्योंकि इसको तो हम बांट रहे हैं, तो बाकी एम्प्लॉय हमें लिखने हैं 11,341, 34,023, 4,536। अब ये अगर आप करेंगे तो ये तो नील हो गया, इसका कर लो टोटल 72,536। अब इसको बांटना है, अगर हम देखें तो इसको बांटने के लिए हमें कहा है मशीन आर्स पे, तो मशीन आर्स आपको सिर्फ पहले दो के लेने हैं 4,000 और 1,000, 58,029, 1,457। तो ये बच्चों ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो, और हमने इसका कर लिया टोटल। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया टोटल ओवरहेड्स 379,552, 2,45,448। अब इसके बाद हमें एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए कहा है, ये कह रहा है कैलकुलेट मोस्ट एप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर हम देखें तो बच्चों मोस्ट अप्रोप्रिएट, अब मेरे से पूछे कोई कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने कहा देखो सबसे ज्यादा हम बेस जो यूज करते हैं वो लेबर आर और मशीन आर करते हैं। पी के अंदर देखो कौन डोमिनेट कर रहा है, लेबर आर 2000 है, मशीन आर 4000 है, तो ज्यादा तो मशीन आर्स है, इसका मतलब वहां मशीन से मेनली काम हो रहा है, तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट हम मशीन आर्स पे निकालेंगे। लेकिन इसी के पैरेलल अगर दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो मशीन पे तो 1000 घंटे काम हुआ है और लेबर पे 6000, तो क्या डोमिनेट कर रहा है, लेबर आवर्स, तो हम यही करेंगे। थर्ड पार्ट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, आपको तो इवन पहले लिखना था कि आप बेस क्या यूज कर रहे हो, हम तो सीधा लिख ही रहे हैं 379,552 अपोर में 4000, 379,552 अपोन में 4000, 94.89। इसी तरह सेकंड वाले के केस में बच्चों 245,448 और इसमें 6000 आपके लेबर आवर्स हम कर रहे हैं 40.908 भी लिख सकते हैं 91, ये आपके एब्जॉर्प्शन रेट आ गए। ये पर लेबर आर है और ये पर मशीन आर है। ये आपका ओवरहेड का था 10 मार्क्स का क्वेश्चन। थर्ड का बी है बच्चों हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का।
होटल कॉस्टिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन। रॉयल होटल ऑफर थ्री टाइप्स ऑफ रूम टू इट्स गेस्ट, डीलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव रूम एंड स्यूट रूम। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। तो ये तीनों रूम के बारे में बता रहा है, रूम टैरिफ पर डे। वो पर रूम का ऑब्वियस है क्योंकि एक रूम का ही किराया होगा जिस अकॉर्डिंग दे रखा है। नंबर ऑफ रूम्स, यहाँ पर बच्चों 20, यहाँ पर 10 और ये वाले 4 है। एवरेज ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द ईयर, अगर आप इसका 80% करेंगे तो ये रोज 16 रूम ऑक्यूपाई होते हैं, ये 6 और ये बच्चों 3। हाउस कीपिंग एक्सपेंसिस पर डे, ऑटोमेटिकली पर रूम होगा क्योंकि ऊपर भी इंफॉर्मेशन के साथ पर रूम नहीं लिखा हुआ, तो टैरिफ भी उसी का है और ये भी। तो ये 280, 320, 425। द होटल प्रोवाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फैसिलिटी टू इट्स एग्जीक्यूटिव रूम एंड स्यूट रूम गेस्ट, वाइल स्विमिंग पूल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली टू स्यूट रूम गेस्ट। मतलब होटल कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फैसिलिटी देता है किसको? एग्जीक्यूटिव रूम वालों को, स्यूट रूम वालों को। और जबकि स्विमिंग पूल की फैसिलिटी देता है स्यूट रूम गेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब होटल का तो खर्चा आएगा। द रेस्टोरेंट एंड स्विमिंग पूल इज रन बाय ए कॉन्ट्रैक्टर, द कॉन्ट्रैक्टर रिकवर चार्जेस ऑफ 150 पर पर्सन फॉर ब्रेकफास्ट एंड 200। अब ये हमारी अपनी होटल के तौर पर कॉस्ट आ रही है फॉर यूजिंग स्विमिंग पूल फैसिलिटी फ्रॉम रॉयल होटल। अभी उसने हमें बताया नहीं है कि एक जो रूम है उसमें कितने पर्सन रुकते हैं, वो बता देगा। बिसाइड्स द अबू मेंशन चार्जेस एनुअल फिक्स एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज, क्योंकि उसने पर पर्सन यहाँ पर इसीलिए ही लिखा है, यहाँ कनेक्ट करेगा। सैलरी टू स्टाफ 57,60,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस 24 लाख, सैलरी टू स्टाफ आर अपोर्शन टू, इन तीन रूम में हमें उसको बांटना है 25, 35, 40 की रेशो में। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अपोर्शन करना है प्रपोर्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी, मतलब जितने जितने रूम हैं उसके बेसिस पर ऑक्यूपाई। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट ऑफ ईच रूम टाइप ऑन एनुअल बेसिस। तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ईयर की बनानी है। नोट, एज्यूम एक तो ईयर में मानने हैं 360 डेज एंड डबल ऑक्यूपेंसी इन ईच रूम, मतलब 2 पर्सन पर रूम मान कर चलना। तो बस अब एक बार बच्चों करते हैं। क्वेश्चन थर्ड पार्ट बी, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। आप यूं समझो बच्चों, ये पर एनम है, हमारे पास तीन तरह के रूम्स हैं तो तीन बना दो कॉलम, डीलक्स, एग्जीक्यूटिव, स्यूट रूम। अब आप यहां पर लिख दो कि कितने रूम डेली बेसिस पर ऑक्यूपाई होते हैं क्योंकि हमें ये यूज होना है। तो रूम रेंटेड पर डे, यहां पर बच्चों 20 का 80% 16, 10 का 60% 6 और यहां पर 4 का 75% 3। ये हमने ऑक्यूपेंसी यूज कर ली, इसका यूज अब बाद में होगा, कॉस्ट निकालते बार अलग ढंग से हमें करना है रुपीस में। इसका यूज होगा जहां जहां भी आपको पर रूम की कॉस्ट दे रखी होगी तो नंबर ऑफ रूम से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने पहले टोटल कॉस्ट ही लिखी, तभी बाद में प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो हाउस कीपिंग के खर्चे देखो बच्चों, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर, तो रूम टैरिफ पर डे दे रखा है, ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन है, कहीं नहीं लिख रखा, तो ये पर रूम है तो हाउस कीपिंग का खर्चा भी पर रूम माना जाएगा। तो अब करना कैसे है? पर डे का तो उसने लिखा ही है, आप यहाँ लिखेंगे 280 पर रूम, 16 रूम ऑक्यूपाई हैं, 360 डेज, ये बच्चों मल्टीप्लाई करके आ रहा है 16,12,800। इसी तरह से ये 320 है, 6 रूम ऑक्यूपाई हैं, 360 डेज हैं, हमने मल्टीप्लाई किया 6,91,200। इसी तरह से 425 × 3 × 360 डेज 4,59,000। सेकेंड वन, ब्रेकफास्ट जो है इन्होंने तो कॉम्प्लीमेंट्री देना है लेकिन इनका अपना खर्चा है और ये सिर्फ किनको दे रहे हैं? एग्जीक्यूटिव और स्यूट रूम वालों को। तो 150 पर पर्सन खर्चा है, 2 पर्सन 6 रूम और 360 डेज। सिमिलरली 150, 2 पर्सन 3 रूम्स ऑक्यूपाई हैं, 360, ये बच्चों मल्टीप्लाई किया 6,48,000, 3,24,000।
इसी तरह स्विमिंग पूल, वो सिर्फ किनको दे रखा है, स्यूट रूम वालों, तो उसका खर्चा 200 पर पर्सन इनको देने पड़ते हैं। 2 पर्सन 3 रूम्स, 360 डेज, 4,32,000। इसके बाद सैलरी को हमें बांटना है, जो स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं ना, उसने क्लियर बोला है। ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव फोर्टी की रेशियो में तो लिख देंगे। ये हमने जस्ट किया 14,40,000, 20,16,000, 23,04,000। इसके जस्ट आगे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उसने ऑक्यूपेंसी के बेसिस पर बांटने के लिए कहा है। तो ऑक्यूपेंसी का मतलब है कितने कितने रूम ऑक्यूपाई हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो पहले में 16, दूसरे में 6, तीसरे में 3 रूम्स हैं। इसकी रेशो में बांटा 15,36,000, 5,76,000, 2,88,000। बस बच्चों, अब आपका काम है इसका टोटल कर, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 45,88,800। सेकेंड के केस में 39,31,200 और 38,07,000। अब क्या करो, टोटल आपने जो कलेक्शन की होगी, टोटल टेकिंग्स, वो हमारे यहाँ पर आई है 1,500 रुपीज़ हम चार्ज कर रहे हैं एक रूम के, 16 रूम, 360 डेज, 86,40,000। सेकेंड के केस में 2,400 चार्ज कर रहे हैं 6 रूम, 360 डेज, 51,84,000। लास्ट वाले में है बच्चों 3,800, 3 रूम्स ऑक्यूपाई हैं, 360 मल्टीप्लाई कर दो। ये बच्चों अमाउंट आ रहा है 41,04,000। बस डिफरेंस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। आप इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, बी माइनस ए, 2,97,000 प्रॉफिट। यहाँ बच्चों 12,52,800 और यहाँ पर 40,51,200, ये आ गया बच्चों हमारे आंसर। अब नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन फोर्थ, ए पार्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। GH Plastic Limited manufacture 3 products SML. To date, simple traditional absorption costing system has been used to allocate overhead to product. Total production overhead are allocated on the basis of machine hours. तो इनका इस टाइम पे ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम क्या था, जो टोटल ओवरहेड थे उसको मशीन आर से कर देते थे डिवाइड, पर आर का रेट आ जाता था एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्ब कर लेते थे। The machine hour rate for allocating production overhead is ₹240 per machine hour under the traditional absorption costing system. Selling price are calculated by adding markup of 40% of the product cost. Information related to product for the most recent year is as under. एक बार आप देखो, यूनिट कितनी कितनी बनाई है, इसकी 7500, इसकी 12500 और इसकी 9000। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, डायरेक्ट लेबर, इन दोनों का सम करेंगे तो बच्चों प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद ओवरहेड आपको बता रखे हैं मशीन आवर्स पर यूनिट, तो 240 से मल्टीप्लाई करके एक यूनिट के ऊपर आ जाएंगे। तो समझो बच्चों ट्रेडिशनल में तो टोटल कॉस्ट ही आ जाएगी। उसके बाद क्या कहते हैं, देखो नंबर ऑफ मशीन सेटअप, ये आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए बता रहे हैं। नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, द मैनेजमेंट विशेज टू इंट्रोड्यूस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड सिस्टम ऑफ एट्रीब्यूटिंग प्रोडक्शन ओवरहेड टू प्रोडक्ट एंड हैज आइडेंटिफाइड मेजर कॉस्ट पूल फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड एंड देयर एसोसिएटेड कॉस्ट ड्राइवर एज फॉलोस। एक बार आप ध्यान देना, चार तरह से खर्चों को बांटा है, परचेसिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट 7 लाख, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर कॉस्ट ड्राइवर है, मशीन सेटअप कॉस्ट 9 लाख, नंबर ऑफ मशीन सेटअप कोस्ट ड्राइवर है, क्वालिटी कंट्रोल कोस्ट 6,56,000, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कोस्ट ड्राइवर और मशीनिंग की कोस्ट 5,64,000। मशीन आवर्स के बेसिस पर करना है। आगे रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट टोटल कोस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर ईच ऑफ 3 प्रोडक्ट यूजिंग। मतलब आपको टोटल कोस्ट भी पर यूनिट चाहिए, सेलिंग प्राइस भी। ट्रेडिशनल कोस्टिंग अप्रोच करंटली यूज बाय GH प्लास्टिक लिमिटेड और ABC अप्रोच के अकॉर्डिंग। उसके बाद वो पूछ रहा है कैलकुलेट डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट एज पर ए एंड बी अबू, शो विच प्रोडक्ट इज अंडर प्राइस और ओवर प्राइस। तो एक बार बच्चों करते हैं,
क्वेश्चन फोर्थ ए बच्चों, फर्स्ट पार्ट, आपको टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट बतानी है, तो उसके अंदर ए पार्ट है ट्रेडिशनल से, तो हम करते हैं बच्चों ये बनाई कॉस्ट शीट। सीधा आसान सा क्वेश्चन है, तीन प्रोडक्ट हैं, तीन कॉलम, यूनिट इनकी दे रखी है, हालांकि हमारे से टोटल कॉस्ट और पर यूनिट पूछ रखा है, मटेरियल और लेबर कॉस्ट तो बच्चों सीधा दे ही पर यूनिट रखी है, तो हम एज भी लिख देंगे 158, 179, 250, 40, 45, 60 हमने लिखा डायरेक्ट मटेरियल। आप साथ में यहाँ पर यूनिट लिख दो, हमें टोटल में चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट मटेरियल 158, 179 और 250, सिमिलरली डायरेक्ट वेजिस, ये आपकी लेबर जो है वो है 40, 45 और 60, हमने जस्ट टोटल कर दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई 198, यहाँ पर बच्चों टोटल किया 224 और तीसरे केस में 310। अब आप लिखो प्रोडक्शन ओवरहेड, आपको उसने बताया है यहाँ 0.30 आवर्स हैं, यहाँ 0.40 आवर्स हैं, यहाँ 0.50 आवर्स है, 240 पर आवर का रेट है, आप जस्ट मल्टीप्लाई कर, ये किया तो 72, यहाँ किया 96, यहाँ किया 120, बस टोटल कॉस्ट आ गई बच्चों 270, 320, 430। अब ये जो आई है इसमें आप प्रॉफिट ऐड करो 40%, जो टोटल कॉस्ट है उसी के ऊपर आपको 40% ऐड करने के लिए कहा है, तो हम इसका 40% कर देते हैं बच्चों, 270 का अगर मैं 40% करूं तो ये आ रहा है 108, 320 का 128 और 430 का 172, बस इसमें ऐड कर दो, डेट इज योर सेलिंग प्राइस, अंडर प्राइस ओवर प्राइस अभी कर लेंगे, 378, 448, 602, ये बच्चों आ गया हमारा। अब बच्चों जो सेकंड पार्ट है ना इसका, उसने हमसे क्या कहा है, मतलब बी में, कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पर चलना है, और ये आपको पोस्ट ड्राइवर के लिए हेल्प के लिए दे रखा है, आप इनका टोटल कर लो, टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप हमारे हो गए 400, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर जो हैं वो हमारे हो रहे हैं 350, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो 400, बस यहाँ पर आप लिख लो अपने पास नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, तो हमारे पास परचेज ऑर्डर कितने बन रहे हैं 350, यही अभी हमने किया है। उसके बाद नंबर ऑफ मशीन सेटअप 400, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 400, क्योंकि डिवाइड करके एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, और अगर आप मेरे से कहेंगे कि मशीन आवर्स कितने बनेंगे, तो वो बच्चों अभी आप देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, 7500 into 0.30, तो आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 2250, रफली कर रहा हूँ, इसको इससे किया 5000 और इसको इससे किया बच्चों तो 4500 टोटल किया, तो ये आपका आ रहा है 11750, ये हमने लिख दिया यहाँ, बस अब डिवाइड करके जल्दी से हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकाले, ट्रेडिशनल से हो चुका है, अब हम कर रहे हैं एबीसी के अकॉर्डिंग, तो आपने यहां सबसे पहले लिखा प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन रेट, और आपको एक्टिविटी वाइज लिखना है, तो सबसे पहले क्या है परचेज डिपार्टमेंट कॉस्ट 7 लाख डिवाइड में 350, ये बच्चों मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2000 पर परचेज ऑर्डर, दूसरे नंबर पे आपका, दूसरे नंबर पे बच्चों आपकी एक्टिविटी है मशीन सेटअप, इसमें अगर बात करें तो 9 लाख डिवाइड में नंबर ऑफ मशीन सेटअप 400, हमने किया 2250 पर सेटअप। तीसरी है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट
6,56,000 अपॉन में 400, ये गया बच्चों 1,640 पर इंस्पेक्शन। और फोर्थ वन मशीनिंग कॉस्ट 5,64,000, वो डिवाइड कर देंगे कितने थे बच्चों हमारे यहाँ पर मशीन आवर्स 11,750, ये हमने इसे डिवाइड किया 48 रुपीज पर आवर। अब आपका काम है कोस्ट शीट बनाना बच्चों, वही पर यूनिट के लिए, तो हम ऐसे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ ना टोटल टोटल आया करेंगे, क्योंकि जैसे अगर आप इन्फॉर्मेशन देखो तो हमारे पास ये टोटल है परचेज ऑर्डर, तो मल्टीप्लाई करूंगा टोटल, तो यूनिट से कर देंगे डिवाइड, तो यूनिट्स अपने पास लिख लेंगे वही प्रोड्यूस एंड सोल्ड। तो देखो आप यहाँ बनाएंगे कोस्ट शीट, अगेन सेलिंग प्राइस निकालने के पर यूनिट, तीन प्रोडक्ट हैं तो तीन कॉलम एस एम और एल, ठीक है। अब हमने शुरुआत किससे की, प्राइम कॉस्ट से, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी है, ऊपर अभी लिखी है बच्चों, वन नाइन्टी एट 224 310। अब इसके बाद आप प्रोडक्शन ओवरहेड लिखो एक्टिविटी वाइज, तो सबसे पहले है परचेसिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर आपने ना पता है अपने पास लिखना हो तो यूनिट लिखो प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, वो तो बराबर हुई हैं बिल्कुल 7,500 यूनिट्स, 12,500 यूनिट्स और यहाँ पर 9,000 यूनिट्स, क्योंकि पर यूनिट लाने के लिए ना एक थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि खर्चा पूरा आ जाएगा तो यूनिट से डिवाइड करेंगे तभी पर यूनिट आएगा। जैसे अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, परचेज डिपार्टमेंट का खर्चा आपको 2,000 पर परचेज ऑर्डर चार्ज करना है। परचेज ऑर्डर कितने कितने हैं हमारे, 90, 135, 125, ये आपने अपने परचेज ऑर्डर लिख दिए, इन परचेज ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2,000, अब ये टोटल आ गए, और डिवाइड करो जिसकी जितनी जितनी यूनिट्स हैं ताकि पर यूनिट पे आए 7,500, 12,500 और 9,000, बस यूं करना है। ये बच्चों मैंने डिवाइड किया, फर्स्ट वाला आ रहा है 24, सेकेंड वाला 21.60 और थर्ड 27.78। अब आए हम सेकेंड, मशीन सेटअप, अगर आप इसमें कहेंगे तो पहले में नंबर ऑफ सेटअप है 120, दूसरे में 120, तीसरे में 160, पर आर का हमारा रेट आया है 2,250 पर सेटअप, ये टोटल आ गया हमारा, डिवाइड कर दो आप जस्ट और जस्ट यूनिट से 7,500, 12,500 और 9,000, हमने इसको अब कैलकुलेट किया पर यूनिट, ये आ रहा है 36, 21.60 और 40। तीसरा है बच्चों क्वालिटी कंट्रोल, इसमें अगर हम बात करें तो बच्चों इंस्पेक्शन है 100, 160, 140। अब आप जस्ट और जस्ट मल्टीप्लाई करो, पर इंस्पेक्शन हमारा खर्चा है 1,640, ये हमने बच्चों ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, मैं बार बार इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तो अभी हमने ऊपर लिखा है 1,640, 1,640, डिवाइड में यूनिट्स लिख दो, हमेशा ऐसे ही करना होता है एक्टिविटी बेस में जब पर यूनिट चाहिए होता है 9,000, तो ये बच्चों हम डिवाइड कर रहे हैं 21.87, 20.99 और 25.51। इसके जस्ट आगे मशीनिंग कॉस्ट, यहाँ पर 0.30 आवर्स है, यहाँ 0.40 आवर्स है, यहाँ 0.50 आवर्स है, हमारा पर आवर का रेट आया क्या है 48, आप 48 से करो मल्टीप्लाई तो ये 14.40, ये 19.20 और ये बच्चों 24। बस आपका काम है इसका टोटल करना, डेट इज योर टोटल कॉस्ट, मतलब जो हमारी प्राइम कॉस्ट है उसमें ये ऐड कर देंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में 40% ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है बच्चों 294.27,
307.39 और 427.29। अब आप इसका जस्ट 40% करो, मैंने फर्स्ट वाले का किया 11 है 117.71 और इसका टोटल 411.98। ऊपर देखो सेम इसी केस में सेलिंग प्राइस क्या आया था 378, तो मतलब एक्टिविटी वाला करेक्ट है तो ये अंडर प्राइस है। अभी हम लिख भी लेंगे, एक बार सारों का कर लें। इसका हमने बच्चों 40% किया तो ये आ रहा है 122.96 और इसमें ऐड किया 430.35। सेम इसका 40% किया 170.92 और इसमें ऐड किया 598.21। बस अब आपको आंसर देना है कि अंडर या ओवर प्राइस, तो आप यहां लिखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दोनों सिस्टम में। बच्चों प्रोडक्ट के हमने नाम लिखे एस एम एल, तो आप लिखेंगे अंडर। एक्टिविटी बेस वाला आपका करेक्ट माना जाता है, तो पहले ट्रेडिशनल उसके अकॉर्डिंग 378, 448 और 602 ये हमने बच्चों ऊपर लिख रखे हैं। अब इनके अकॉर्डिंग लिख दो यही वाले एबीसी 411.9, तो ये कितने रुपीस अंडर प्राइस है, क्योंकि ये करेक्ट है बच्चों, ये वो कम लिखा हुआ है अंडर प्राइस। अब इसमें देखो आप 430.35 ये ओवर प्राइस है ट्रेडिशनल की अकॉर्डिंग 17.65 ओवर प्राइस, और इसी तरह थर्ड केस में 598.21 तो ये भी ओवर प्राइस है 3.79। ये बच्चों आपका एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग का हो गया, इस तरह से करके आना था आपको। क्वेश्चन फोर्थ का बी पार्ट बच्चों, ये हमारा है मार्जिन कॉस्टिंग का। आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपका एमटीपी आईसीआई का था अक्टूबर 23। क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट, आर लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल 60,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एन एट इट्स नोएडा प्लांट, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 15 पर यूनिट, ये सेलिंग प्राइस है। द वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 12 रुपए है। फिक्स्ड कॉस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 420,000, द कंपनी इज कॉन्टिन्यूसली सफरिंग लॉसेस एंड मैनेजमेंट प्लान टू शट डाउन द नोएडा प्लांट, तो अब ये सोच रहे इस प्लांट को ही बंद कर दें। फिक्स कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस बाय, फिक्स कॉस्ट 2.50 से कम हो जाएगी, 4.20 है ना तो 1.70 रह जाएगी, अब 4.20 में से 2.50 घटा दो। एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शट डाउन आर एक्सपेक्टेड एट 25, तो मतलब 195 का लॉस होगा अगर शट डाउन कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन फर्स्ट वेदर द नोएडा प्लांट बी शट डाउन और सेकेंड पार्ट फाइंड आउट शट डाउन पॉइंट इन यूनिट्स। तो एक बार बच्चों दोनों पार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट बी, अब हमारे को अगर ये चेकआउट करना हो ना कि शट डाउन करें या नहीं, तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनाकर चेक करना चाहिए हमें कितना लॉस आएगा अगर प्लांट कंटिन्यू करते हैं और शट डाउन करते हैं, तो क्योंकि तो हमें डिसीजन लेना है कि शट डाउन करें या नहीं। व्हेन प्लांट इज कंटिन्यूड, व्हेन प्लांट इज शट डाउन, तो सबसे पहले आप सेल देखो। अगर हम यहां देखें बच्चों तो 60,000 × 15 9 लाख रुपीस, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इसकी 80% है। जब आपका शटडाउन होगा तो ये तो कुछ होना ही नहीं, तो जो बचत है कंट्रीब्यूशन वो है हमारी 1,80,000, यहां कोई बचत नहीं। अब हमने इसमें से लेस की फिक्स कॉस्ट, तो अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं एग्जिस्टिंग और न्यू, क्योंकि कुछ एडिशनल भी आए। एग्जिस्टिंग वाली यहां 420 है और यहां 250 कम होकर 170 रह जाए, और एडिशनल वाली 25,000 यहां पर कुछ भी नहीं, तो ये अगर लॉस देखें तो 240 का है नेट लॉस और यहाँ 195, तो अगर हम देखें तो शटडाउन का फायदा है
हम यहाँ लिख देंगे एडवाइस एडवाइस, प्लांट शुड बी शट डाउन। अब वो पूछ रहा है कि शटडाउन के लिए यूनिट्स चाहिए कितनी की अवॉइड हो जाए, तो हम इसको शटडाउन पॉइंट कहते हैं क्योंकि उससे नीचे सेल होते ही तो शटडाउन करना पड़ता है। अब आप सिर्फ ये देखो, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 15 है, वेरिएबल कॉस्ट 80% 12, तो एक यूनिट के ऊपर बचत है 3 रुपए। अब इसके बाद है बच्चों अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट आप अवॉइड कर सकते हो वो आपको देखना है, क्योंकि शटडाउन करोगे तो आपका खर्चा कितना होगा, हमने कहा 1,95,000, और अगर नहीं करेंगे तो 4,20, आप 420 में से 195 घटा दो, अगर ये कमाई रहेगी तो हम कंटिन्यू कर देंगे 2,25,000। और अब हम शटडाउन यूनिट्स लिख देंगे, टू लैख 25,000 अपॉन में 3,75,000 यूनिट्स, क्योंकि इनकी 60,000 यूनिट्स हो रही हैं इससे कम, इसलिए इनको ज़्यादा लॉस हो रहा है। 75,000 यूनिट्स तो इनको कम से कम सेल चाहिए ताकि शटडाउन ना हो। आप यहाँ लिख सकते हो मिनिमम सेल्स टू अवॉइड शटडाउन। फोर्थ का सी है बच्चों, प्रोसेस कॉस्टिंग का नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये प्रोडक्ट पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस, प्रोसेस ए एंड बी, आउटपुट ऑफ प्रोसेस इज ट्रीटेड एज इनपुट ऑफ प्रोसेस बी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन फर्निश्ड। अब देखो कितना आसान है, सबसे पहले इनपुट मटेरियल दे दिया 78,000 केजी, 5 पर केजी के हिसाब से 390। इसके अलावा वेजेस हैं बच्चों और प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। आउटपुट अगली प्रोसेस में ट्रांसफर हो रही है 68,640, और आपको नॉर्मल लॉस बता रहा है, वो आप इनपुट में से घटा देंगे तो आपकी नॉर्मल आउटपुट आ जाएगी, तो डिफरेंस एबनॉर्मल लॉस है। इसी तरह से सेकंड प्रोसेस में बता रखा है इनडायरेक्ट मटेरियल वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड 69,000 आउटपुट है। अब देखो ना, जो यहाँ इनपुट लग रही है उसमें से नॉर्मल लॉस भी है तो यहाँ एबनॉर्मल गेन है। There is no realizable value for normal loss, no stock of raw material or work in progress was left at the end. You are required to prepare process account for each process. तो देखो बच्चों मैं करवा रहा हूँ, फोर्थ सी पार्ट बच्चों, हमने यहाँ लिखा प्रोसेस ए अकाउंट। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, दो कॉलम हमारे लेफ्ट पे बनेंगे और दो राइट पर, एक आपका क्वांटिटी के लिए है मतलब केजी में है तो केजी, और दूसरा रुपी, सेम ऐसे ही क्रेडिट। हमने लिखा टू इनपुट मटेरियल, आप रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, 78,000 केजी 3,90,000, देन वेजिस 2,85,000, देन ओवरहेड्स 167,400। नॉर्मल लॉस हमें कितना बता रखा है, इन्होंने हमें नॉर्मल लॉस बताया 7,800 केजी, हमने लिख दिया यहाँ 7,800। इसकी ना कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, इसके जस्ट आगे आप देखो तो एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि 78,000 में से जब आप लेस करोगे ना बच्चों 7,800, ये मान लो मैंने यहाँ लेस किया 78,000, तो ये बच रहा है 70,200, ये नॉर्मल आउटपुट थी और आउटपुट आई है 68,640। आप डिफरेंस कर रहे हैं तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस आ रहा है 1,560, 70,200 माइनस 68,640। तब आपको इसको कैसे वैल्यू करना है वो समझना, हमने यहाँ लिखा बाय एबनॉर्मल लॉस 1,560, नॉर्मल जो पर यूनिट कॉस्ट होती है ना उसी पे वैल्यू करना होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, आपके अकॉर्डिंग नॉर्मल आउटपुट कितनी आनी थी, मैंने कहा 70,200, और एक बार आप इसका टोटल कर 0, 0, 4, 7, 5, 12, 1, 9, 10, 18, 24, 216,
2 1 3 2 5 3 8 8 42 4 यहाँ लिख दो। तो क्रैप नॉर्मल लॉस की कुछ भी नहीं, आउटपुट आनी थी 70,200, हमने जस्ट और जस्ट डिवाइड किया 8,42,400 डिवाइड में 70,200 बच्चों 12 रुपीज। अब आप अपने एबनॉर्मल लॉस को लिखो, लिखो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, उनका कोई अकाउंट नहीं बनाना, तो आप यहाँ पर जस्ट लिख दो 1560 × 12। ये बच्चों मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है हमारा 1,87,20, यहाँ लिख दिया हमने बस। अब यहाँ लिखो बाय प्रोसेस बी अकाउंट, कितनी आउटपुट ट्रांसफर हो रही है 6,86,40, वही 12 पर यूनिट के हिसाब से आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 है बच्चों 8,23,068 पूरा, तो हमने टोटल पहले ही लिख रखा है। अब आ जाओ आप प्रोसेस बी के अंदर, सेम ऐसे ही खोलो, इस बार एबनॉर्मल गेन है। KG रुपीस। अब हमने यहाँ लिखा टू प्रोसेस ए अकाउंट, क्वांटिटी लिखो आप 6,86,40, 8,23,680। इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 3,43,20। इसके बाद बच्चों वेजिस 3,30,000, देन ओवरहेड्स प्रोडक्शन ओवरहेड कह दो, इसमें वही आने होते हैं 1,11,006 बस। अब नॉर्मल लॉस इन्होंने हमें दे रखा है 240, इसके अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट आनी थी 6,84,00, तो लिखो फिर नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट पर यूनिट, सेकंड नोट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, क्योंकि अब नॉर्मल गेन कैसे हुआ है मैं बताता हूँ आपको। 68,400 बच्चों आपके पास आउटपुट आनी थी और है 69, तो 600 क्या हो गया अब नॉर्मल गेन, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब आप सिर्फ डेबिट का पहले टोटल कर, लिखना नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो एबनॉर्मल गेन भी आना है, उसकी आपको क्वांटिटी और अमाउंट दोनों लिखने हैं, आप सिर्फ अपने पास रफली टोटल। ये बच्चों मैंने टोटल किया 12,99,600, नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। दोबारा चेक करते हैं 8,23,680 + 34,320 + 330 + 1,11,600, तो यही आ रहा है, डिवाइड किया हमने 68,400 यूनिट्स, तो बच्चों मैंने इसको जब डिवाइड किया तो ये आ रहा है 19 रुपीज़ पर यूनिट। बस इसको 19 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन आ गया। बच्चों मैंने किया इसको 11,400 600 × 19। अब आप क्या करो, यहाँ पर 11,400 लिख दो, जैसे ही मैंने इसमें ऐड किया तो टोटल आ गया 13,11,000, और ये 69,240, बस आप यहाँ लिखो बाय फिनिश हो गया गाँव 69,000, वही ₹19 पर यूनिट, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 13,11,000, आना ही वही है। तो ये बच्चों हमारा प्रोसेस का हो गया। क्वेश्चन फिफ्थ ए पार्ट, पी क्यू आर एलॉयज लिमिटेड, बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, ओवरहेड वेरिएंसेस का है, यूजेज ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, और छोटा क्वेश्चन है, जैसे पूरा पेपर लेंदी है उसके कंपेयर में तो ये छोटा क्वेश्चन है। बस्टेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर, तो अगर हम देखें तो बस्टेड आउटपुट 84,000 यूनिट, ये इनकी बस्टेड आउटपुट है जो इन्होंने ईयर के शुरू में सोची थी। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट ₹16, आपको पर यूनिट नहीं चाहिए होते, आपको चाहिए होते हैं पर आर। अब आपको कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट 0.80 मशीन आवर्स, मतलब अगर मेरे से कोई पूछे कि मतलब क्या है,
मैंने कहा एक यूनिट के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 0.80 आवर्स है, और इस स्टैंडर्ड टाइम के साथ स्टैंडर्ड रेट की मल्टीप्लाई कर दें, स्टैंडर्ड टाइम के साथ स्टैंडर्ड रेट की मल्टीप्लाई कर दें, तो स्टैंडर्ड आपके वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे एक यूनिट के 16 रुपये। तो ये स्टैंडर्ड टाइम बाय में चला जाएगा, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर का कितना आ गया, 16/0.80, मतलब 20 रुपये, दैट इज योर स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब स्टैंडर्ड रेट एक बार मुझे मिल गया है, इसके बाद फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड बस्टेड थे 6,72,000, एक्चुअल रिजल्ट फॉर द ईयर, एक्चुअल में कितनी यूनिट बनी है, 87,600। अब एक यूनिट के ऊपर आप सिंपली देखो कितने आवर्स लगने थे, 0.80, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो स्टैंडर्ड टाइम तो मिल ही गया, 87,600 × 0.80, दैट इज अवर स्टैंडर्ड टाइम। अब स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास है, स्टैंडर्ड रेट हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास है। अब उसने हमें बोला है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बच्चों स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। आप कहोगे सर हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम भी है, स्टैंडर्ड रेट भी है, इसकी हेल्प से एक्चुअल टाइम आ जाएगा, और फिर उसने नीचे एक्चुअल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी दे रखी है। तो मानकर चलो कि आपके पास वेरिएबल ओवरहेड से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सारी, तो आपसे ये कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस क्लियरली इंडिकेटिंग एडवर्स और फेवरेबल। फर्स्ट वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसको आप रेट वेरिएंस कहते हो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल टाइम। तो एक बार देखो बच्चों कैसे करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, और हम कर रहे हैं सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड के लिए, तो आप फर्स्ट ही कह सकते हो ए तो वैसे ही है। हमने यहां पर लिखा स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट के ऊपर जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 0.80 आवर्स है, और 0.80 आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट है जो कि 16 रुपए, तो हमारा स्टैंडर्ड रेट पर आवर आ गया 16 / 0.80, 20 रुपए। ये पहला आंसर, मतलब जो यूज होना है हमारे पास। इसके बाद स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल में यूनिट बनाई है 87,600, पर हर यूनिट पर 0.80 आवर्स, तो हमने इसका 4/5 कर दिया, आ गया बच्चों 70,080 आवर्स। अब एक्चुअल आपके पास वेरिएबल ओवरहेड तो हैं, हमें सिर्फ एक्चुअल टाइम की जरूरत है, तो इन्होंने ना क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। आप एक बार फॉर्मूला लगाओ, मैंने कहा इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 67,200 एडवर्स है, स्टैंडर्ड टाइम 70,080, एक्चुअल टाइम नहीं पता, और स्टैंडर्ड रेट 20। आप जस्ट मल्टीप्लाई करो 67,200 / 20, 3,360। अब ये एक्चुअल टाइम इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 70,080 + 3,360 73,440, दैट इज योर एक्चुअल टाइम। अब एक बार पुट कर दें वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो फॉर्मूला है बच्चों हमारा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल टाइम। आप ना क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल टाइम, ताकि एक्चुअल रेट की जरूरत ही ना पड़े, ये आपका एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे जो गिवन है। एक बार आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड रेट देखो 20, एक्चुअल टाइम और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 14,37,000, जस्ट हमने इसको सोल्व किया 31,800 फेवरेबल। उसने आपसे क्लियर बोला है कि आप एफ और ए यूज कर सकते हो, तो हमने एफ यूज कर लिया। अब बच्चों सेकेंड टू फोर्थ जो पार्ट है उन सब में ना हमें फिक्स
ओवरहेड वेरिएंस निकालने के लिए कहा है, तो आप फोर फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, बातें समझना कि हमें चाहिए क्या। आपको चाहिए होता है बस्टेड टाइम, बस्टेड फिक्स ओवरहेड। मतलब हम तो टेबल यूं ही बनाते हैं, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड, एक्चुअल टाइम और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। पॉसिबल तब होता है जब आपको डेज भी साथ दे रखे, तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। आर्स इतनी मुश्किल से मिले हैं, तो अगर हम देखें बस्टेड टाइम 84,000 यूनिट्स और एक यूनिट के ऊपर 0.80, मतलब हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 84,000 इंटू 0.80 ताकि बस्टेड टाइम आ जाए। बस्टेड फिक्स ओवरहेड है 6,72,000, 67,200। तो यहाँ अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 रुपीज। स्टैंडर्ड टाइम ऊपर से एज इट इज लेना है हमें 70,080, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 7,08,000। इसके बाद एक्चुअल में टाइम, ये हमारे को यहाँ पर अगर देखें तो फाइंड आउट कर चुके हैं 73,440, और एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड ये रहे 7,05,000। अब हमारे को ये तीनों वेरिएंस निकालने हैं, तो सबसे पहला आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बच्चों अगर मैं इसको बजट वेरिएंस कह दूं तो गलत नहीं होगा, तो बस्टेड माइनस एक्चुअल। आप एक बार देखो बस्टेड फिक्स ओवरहेड 6,72,000 और एक्चुअल में 7,05,000, तो 33,000 एडवर्स। ये आपका सेकंड का आंसर है। थर्ड वन, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना, तो अगर हम एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करें तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड टाइम है 70,080, एक्चुअल में 73,440 और स्टैंडर्ड रेट है 10। ये 33,600 एडवर्स। और फोर्थ नंबर पे है बच्चों लास्ट, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम माइनस बस्टेड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक बार आप देखो एक्चुअल टाइम 73,440, बस्टेड टाइम 67,200 और इनटू 10 62,400 फेवरेबल। तो ये बच्चों इसके आंसर थे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन फिफ्थ का बी, ये बच्चों आपका यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग का था, मतलब आप यूनिट कॉस्टिंग का कहें। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट VD100 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। गुड यूनिट प्रोड्यूस 12,600 और यूनिट सोल्ड है बच्चों 11,800। तो आप अगर मेरे से कहेंगे स्टॉक 800 यूनिट्स। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस दे रखी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है। आगे हमें कहता है ईच यूनिट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ मटीरियल जेट। तो मतलब रॉ मटीरियल जो है जितनी यूनिट आप बना रहे हैं उससे डबल चाहिए kg के अंदर। कॉस्ट ऑफ मटीरियल जेट इज 72 पर kg। 10% ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन स्क्रैप्ड एज बेड एंड फेच इज 45 पर यूनिट। मतलब आप ये समझो ये जो 12,600 है आपने ग्रोस प्रोडक्शन की बात करनी है तो आप इसका 100/90 कर दो, क्योंकि 90% ही आउटपुट आई है जो गुड यूनिट प्रोड्यूस हुई है, 10% तो स्क्रैप्ड हो गई है। तो इसका मतलब 14,000 यूनिट्स के लिए आपने इनपुट लगाया होगा, तो 14,000 इंटू 2 करना पड़ेगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे परचेस प्राइस की, और जो ये 1400 हमारी आउटपुट स्क्रैप्ड है उसको हमने बेचा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जस्ट पहले, लेस कर देंगे 45 पर यूनिट के हिसाब से सेल ऑफ स्क्रैप। फैक्ट्री ओवरहेड आर 80% ऑफ वेजेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर 54 पर यूनिट सोल्ड, देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटीरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। You are required to find out total cost of sale and profit for the month of
अक्टूबर 2023। तो एक बार बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। फिफ्थ बी पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आप कॉस्ट स्टेटमेंट कहो, कॉस्ट शीट कहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों। इसके थ्रू अभी हमारी टोटल कॉस्ट भी पता लग जाएगी, और क्योंकि सेल पता है तो प्रॉफिट भी। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल पे आओ। आप मुझे सिर्फ ये बताओ आउटपुट कितनी आई है, 12,600। आप उसका 100/90 करो, क्योंकि वो 90% है, तो 14,000 यूनिट्स हो गई। एक के ऊपर 2 kg रॉ मटेरियल, तो 28,000 kg रॉ मटेरियल हो गया, और इंटू 72, तो ये हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई। हमने यहाँ किया बच्चों 20,16,000। देन डायरेक्ट वेजेस हमें दे रखी है 8,82,000। इन दोनों का सम करेंगे बच्चों प्राइम कॉस्ट 28,98,000। देखो ना बच्चों, ये हमने 72 पर केजी से कर दी मल्टीप्लाई। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस हमें दे रखी है 8,82,000। दोनों को किया टोटल, आ गया ये हमारा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 80% ऑफ वेजिस है, ये लिख रखा। तो ये बच्चों हम वेजिस का 80% कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स 8,82,000 का 80%। हमने किया बच्चों 7,05,600 टोटल कर 36,03,600 एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड, बिना गए बच्चों रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानेंगे। हम नोट लिख देंगे कन्वीनियंट के लिए, जैसे अभी आपने यहां लिखा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, आप लिखेंगे वी आर एज्यूमिंग, यही लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। दीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, साथ में लिख दो अल्टरनेटिवली इट कैन बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो यही करेंगे। मतलब आप इसको नोट में लिख देना, मैंने यहां पर कन्वीनियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया है। तो बच्चों जैसे ही मैंने यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किए, 4,72,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, तो आपको वो स्क्रैप घटाना है जो 1,400 यूनिट्स आपकी स्क्रैप्ड हुई है। एक बार जस्ट इसको पहले ऐड कर लो, ये बच्चों आ रहा है 40,75,600। अब आप क्या करो, इसमें से लेस कर दो सेल ऑफ स्क्रैप। कितनी है हमारी स्क्रैप, हम कहेंगे 1,400 यूनिट्स, क्योंकि 14,000 यूनिट्स के लिए हमने इनपुट लगाई थी और 45 पर यूनिट के हिसाब से सेल वैल्यू बताया है। तो 1,400 इंटू 45 बच्चों 63,000 हमने इसमें से लेस कर दिया, 40,12,600 डेट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कितनी यूनिट्स की है, 12,600 यूनिट्स। अब इसमें से आप 800 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक घटा दो, 12,600 से 40,12,600 अपॉन में 12,600 इंटू 800, ये 800 यूनिट्स हैं। ये बच्चों हमने किया 2,54,768। बच्चों 0.25 है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, बस अब आप इसको लेस कर दो, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 37,57,832। अब इसके बाद बच्चों इसमें ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 11,800 यूनिट इंटू 54। अगेन बता रहा हूं बच्चों, अल्टरनेटिवली आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद ऐड कर सकते थे, उस केस में आपका आंसर क्या आता मैं वो भी लिख देता हूँ। अगर मान लो कोई बच्चा करके आया है तो उस केस में ये तो यही रहता, और ये आप 63,000 लेस कर देते तो आपके पास बच जाता 36,03,600 माइनस 63,000
35,40,600। अब आप इसको 12,600 से करते डिवाइड और इंटू करते 800, तो ये आ रहा है 2,24,800। क्योंकि हम दोनों वे में जा सकते हैं, हमारी मर्जी है। आप अल्टरनेटिवली ये करके भी दिखा सकते हैं एग्जाम में, बशर्ते आपके पास टाइम। तो बस अभी ये हमने इसमें से लेस कर दिया, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 33,15,800। अब आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो वाले ऐड कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड हैं हमारे 4,72,000, और जो यूनिट हमने बेची हैं 11,800, सेलिंग का खर्चा 54 पर यूनिट सोल्ड है। तो हमने मल्टीप्लाई किया 11,800 इंटू 54, ये बच्चों आ रहा है 6,37,200। अब दोनों केसेस में ऐड करो, ये अब आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। पहले केस में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये हमारी आ रही है 43,95,032, और दूसरे केस में 44,25,000। फर्क तो आएगा ना बच्चों, स्टॉक में अंतर आ जाता है उसके कारण। यहाँ बच्चों टोटल कॉस्ट इसलिए ज्यादा आ रही है नियर अबाउट 30,000, मतलब 29,968, क्योंकि आप इन दोनों का डिफरेंस देख, ये क्लोजिंग स्टॉक उतना ही ज्यादा है इससे, इसलिए टोटल कॉस्ट में वो डिफरेंस आ गया। क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बना रहे हैं और यहाँ नहीं बना रहे, अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है ना बच्चों हमारा। अब आ जाओ आप सेल वैल्यू पर, आपने यूनिट्स को बेचा कैसे? आप कहोगे 416 पर यूनिट के हिसाब से हमने उसको बेचा है, ये रहा। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितनी यूनिट आपने बेची है, 11,800 इंटू 416 हमने किया 49,08,800। हमने ये सेल वैल्यू यहाँ लिख 11,800 इंटू 416, मतलब दो ऑप्शन है, दोनों में हमने कर दिया 49,08,800 प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। पहले केस में आ रहा है 5,13,768 और दूसरे केस में 4,83,800। क्वेश्चन बच्चों फिफ्थ का सी, कंस्ट्रक्ट जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग सिचुएशन अज्यूमिंग दैट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर इंटीग्रेटेड। ये मार्क्स तो बच्चों इंस्टीट्यूट ने फ्री में दिए हैं, 4 मार्क्स। आपको जर्नल करनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, आपकी क्या एंट्री होगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपका बिल्कुल टाइम सेव हो, आसानी से बातें सब आ जाए, कुछ था ही क्या इसके अंदर। सेकेंड वन, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, क्या एंट्री होती है बच्चों, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। दोबारा बोल रहा हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट। थर्ड में आपको करना था वेजिस चार्ज टू प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजिस कंट्रोल अकाउंट, मतलब बिल्कुल कुछ और नहीं। और लास्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज किए हैं तो अगेन वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अगर ये नॉन इंटीग्रेटेड में होता ना तो सिर्फ फर्स्ट एंट्री में फर्क पड़ता बच्चों, और किसी पे थोड़ा कोई फर्क पड़ना है। टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बस ये चारों एंट्री हो गई। और थ्योरी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये रिपीटेड है, मतलब आपको पहले ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो RTP MTP में है। बच्चों हमने अपने रियल रॉक अपनी एप्लीकेशन में डाल रखा है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो बच्चे मे अटेम्प्ट के हैं वो भी अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें फ्री कंटेंट में आपको RTP MTP जो प्रीवियस ICI के एग्जाम के सॉल्यूशंस हैं वो सब उसमें मिल जाएंगे। तो होप्सो बच्चों आपको ये सोल्यूशन हेल्प करेगा आपकी असेसमेंट करने के लिए। हालांकि जो बच्चे बोथ ग्रुप कर रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि आज वीडियो देखने की बजाय सारे एग्जाम होने के बाद आप वीडियो देखें, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। पेपर के बीच में बच्चों असेस करना सही नहीं है, उसे आगे वाले पेपरों पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, आपका अच्छा एग्जाम रिजल्ट आएगा। बाय बच्चों।